कंपाउंडर एकेडमी आप सभी का वेलकम करता है। दिस इज प्रियंका सिंह। आज हम फिर से एक स्टॉक एनालिसिस को लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा स्टॉक है वो है रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। इस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ये जो स्टॉक है कैसा है, इसका फंडामेंटल, इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी जानेंगे और फिर जानेंगे कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैसा रहेगा। तो रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, सबसे पहले हम अबाउट द कंपनी जानते हैं। Incorporated in 2015, Radiant Cash Management Service Limited is market leader in retail cash management service for banks, financial institutes, and organized retail and e-commerce company in India. ये जो स्टॉक है क्या करती है, रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और अदर रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को या ई कॉमर्स जो भी कंपनी है उनको प्रोवाइड करती है। द कंपनी ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विस अंडर दिस सेगमेंट कंस्टिट्यूटिंग कलेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ कैश ऑन हाफ ऑफ इट्स क्लाइंट फॉर द एंड यूजर्स। मतलब कि एक्चुअली ये क्या करती है, कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है अपने भी जो भी क्लाइंट्स हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम इस कंपनी के फिस्कल ईयर 2022 के रेवेन्यू ब्रेकअप को जानते हैं। कैश पिकअप एंड डिलीवरी से इनको 67% का रेवेन्यू आया है, नेटवर्क करेंसी मैनेजमेंट से 22% का रेवेन्यू आया है, कैश प्रोसेसिंग से 5% का रेवेन्यू आया है, कैश वैंस एंड ट्रांजिट से इनको 4% का रेवेन्यू आया है, अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज से इनको 2% का रेवेन्यू आया है। तो ये हमने जाना कल ईयर 2022 का ना रेवेन्यू ब्रेकअप जाना इस कंपनी। नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना क्लाइंट्स को जानते हैं। एक्सिस बैंक लिमिटेड, सिटी बैंक, स्कैच बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टैंडर्ड कैरेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड येस बैंक लिमिटेड, ये सारे जो हैं इस स्टॉक के ना क्लाइंट्स हैं। दोस्तों, ये हमने जाना कि इस स्टॉक के जो क्लाइंट्स हैं उनके बारे में जाना। दोस्तों, नेक्स्ट हम इस स्टॉक के फंडामेंटल को जानते हैं कि ये स्टॉक फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। ये जो स्टॉक है इसका करंट प्राइस चल रहा है 94.8 रुपीस पर शेयर चल रहा है। अब तक का जो हाई गया है इस स्टॉक का वो गया है 170 रुपीस, अब तक का जो लो गया है वो गया है 86। स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो है 1012 करोड़ का, पी जो है 16.1 है, आरओसी जो है वो है 39.9% का, नेट वर्थ है इस स्टॉक की 230 करोड़ की, सेल्स ग्रोथ जो रहा है 3 इयर्स में वो रहा है 12.6% का, इसका जो बुक वैल्यू है वो है 21.6 रुपीज़ का, आरओई जो है वो है 33.9% का, ईपीएस जो है वो 5.88 रुपीज़ का है, सेल्स ग्रोथ ओवरऑल जो है 24.1% का, डिविडेंड यील्ड जो अपने इन्वेस्टर को ये डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है 1.05% का, फेस वैल्यू इसका 1 है। उसके बाद इसका जो सेल्स ग्रोथ रहा है 5 इयर्स में वो 12.1% का रहा है। ओवरऑल इसका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है, ये एक अंडरवैल्यू स्टॉक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं कि स्टॉक में क्या खूबी और क्या कमी है। सबसे पहले प्रोज को जानते हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 64.2% CAGR ओवर लास्ट 5 इयर्स। कंपनी ने एक गुड प्रॉफिट ग्रोथ 64.2% का CAGR 5 इयर्स में दिया है। कंपनी हैज़ बिन गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स, ROE 30.2%। कंपनी ने गुड ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स में दिया है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 197%। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है। डेट डे हैज़ बीन इम्प्रूव 95.9 टू 72.9, डेट डे जो है ये इम्प्रूव हुआ है। कंपनी हैज़ वर्किंग अ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस फ्रॉम 80.3 डेज टू 62.4 डेज। कैपिटल कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अपना वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिड्यूस किया है। पहले जो 80.3 डेज था अब 62.4 डेज है। तो दोस्तों, ये कंपनी के प्रोस थे, खूबी थी। इस स्टॉक में कोई भी कॉन्स नहीं है। नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानते हैं। इस स्टॉक में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 56.92% का, DI का जो यहाँ पे होल्डिंग है वो है 25.26% का, पब्लिक का जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है वो है 9.8% का, FII का जो होल्डिंग है वो है 8.03% का, ओवरऑल स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रांग है। ये मेरा स्टॉक एनालिसिस था दोस्तों, तो आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस। दोस्तों लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक अच्छा है, आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।